फेज जो है और एक न्यूट्रल आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ से डायरेक्ट एक फेज जा रहा है और न्यूट्रल जो है और आप लोग देखेंगे ये न्यूट्रल है, ये आप लोग देख सकते हैं न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है और ये न्यूट्रल है बस बार में रेडियल बोल। यहीं से जो है आप लोग देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे जो है स्पेयर डाल के रखा हुआ है सिंपल सा, तो ये पूरा जो है आउटपुट यहाँ से हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे यहाँ भी 80 का है, वैसे 3 पोल MCB पूरा जो है 80 एम्पीयर का है, ये 125 का है, फिर ये जो है 80 का है, फिर 80 का है, ये 80 का है। हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है SMDB है UPS के लिए, USMDB अगर आप लोग देखेंगे तो लिखा हुआ है बेसिक में, ये SMDB है। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में फुल डिटेल्स है के साथ बताऊंगा कि कैसे जो है इसका जो है आप लोग ड्रॉइंग देख सकते हैं, इसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगा हुआ है, कैसे जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये जो है फुल डिटेल से मैं आप लोग बताऊंगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है आर फेज वर्जेंट और ये येलो फेज और ये ब्लू फेज, तीन जो है फेज का इंडिकेशन है। और ये एमीटर 1, 2, 3 एमीटर लगा हुआ है, एक जो है वोल्ट मीटर लगा हुआ है। कहीं कहीं पे अगर आप लोग जाएंगे तो क्या होता है ये मल्टी फंक्शन मीटर लगा रहता है ज़्यादातर, तो उसी में आप लोग वोल्टेज वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, मोस्टली आप लोग को वो मिल जाएगा। कहीं कहीं पर तीन जो है अलग अलग फेज के लिए, ये एमीटर जो होता है अलग अलग फेज इसमें हम लोग मेजर कर सकते हैं। वहीं जो है एक वोल्ट मीटर है, इसमें हम लोग अगर आप लोग देखेंगे सेलेक्टर स्विच से क्या कर सकते हैं, रेड येलो में कितना है, वाई बी में कितना है और ब्लू रेड में कितना है, ये चेक सकते हैं, या रेड न्यूट्रल में यानी 3 फेज लाइन टू लाइन और फेज टू लाइन जो है हम लोग चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोग देखेंगे तो रेड और न्यूट्रल के बीच, वैसे येलो और न्यूट्रल के बीच अगर आप लोग देखेंगे 230-240 है, ऑफ़ करेंगे तो 0 पे आ जाएगा, वैसे जो है रेड येलो के बीच आप लोग देख सकते हैं 400 वोल्टेज है। तो ये सेलेक्ट करके इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। मेन MCB अगर आप लोग देखेंगे तो ये है, ये जो है MCCB है, कितना एम्पियर का है मैं ड्राइंग में आप लोग को बताऊंगा। तो ये जो है ओपन कर लेता हूँ मैं आप लोग को, जो है पहले ड्राइंग इसका दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है अगर आप लोग को मैं यहाँ से दिखाऊंगा क्या क्या है, कैसे जा रहा है, कैसे जो है कनेक्शन हुआ है ड्राइंग में, मैं आप लोग को फुल डिटेल्स है बताऊँगा। तो ये जो है मैं आप लोग को इसका ड्राइंग पहले दिखा देता हूँ, ड्राइंग से जो है पूरा बताऊँगा ताकि आप लोग को जो है पूरा डिटेल्स है पता चल जाए। ड्राइंग जो है अगर आप लोग देखेंगे मेन इनकॉमर रेड येलो ब्लू न्यूट्रल और ये ग्राउंड का आप लोग देख सकते हैं, तीन जा रहे हैं और तीनों में से अगर आप लोग देखेंगे फेज 3 है और एक न्यूट्रल है, 4 जो है वायर आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें से जो है अगर आप लोग देखेंगे जस्ट यहाँ पे कनेक्ट होके देखेंगे QM जो है आप लोग देखेंगे 250 एम्पियर का, 250 एम्पियर का एक जो है MCCB है, इसका आइसोलेटर भी लगा हुआ है, आइसोलेटर के साथ जो है MCCB लगा हुआ है, इसको हम लोग बंद कर सकते हैं बाहर से एक्चुअली में, आप लोग देख सकते हैं इसी में से ये कनेक्शन होके फ्यूज के थ्रू FL जो है 2 एम्पियर का फ्यूज, 3 फ्यूज है ये जो अगर आप लोग देखेंगे तो फेज परसेंट लैम्प यानी उसमें रेड येलो ब्लू का 3 जो है फेज का जो है इंडिकेटर आप लोग देखें मैं दिखाया वही है। तो यहाँ पे फेज आ रहा है और न्यूट्रल जो है अगर आप लोग देखेंगे ये लास्ट वाला जो है न्यूट्रल है, तो यहाँ से लूप होके इसमें आ रहा है यानी फेज न्यूट्रल, तीनों फेज का एक एक जो है हम लोग लाइट में डाल देंगे और न्यूट्रल जो है तीनों का आप लोग देख सकते हैं लूप करके डाला हुआ है, सिंपल सा है। वैसे जो है इसी फ्यूज से जस्ट आउटपुट लेने के बाद अगर आप लोग देखें वोल्ट मीटर सेलेक्टर स्विच में आप लोग को दिखाया कि वोल्ट मीटर जो है वहाँ पे लगा हुआ है, जैसे सेलेक्ट करके मैं आप लोग को दिखाया उसके लिए, तो आप लोग देखेंगे तीनों फेज यहाँ से आउटपुट हो रहा है और न्यूट्रल इसमें डाल दिया जा रहा है। ये जो है हमारा वोल्टेज सेलेक्टर स्विच होता है उसमें, जैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे आप लोग देखेंगे दो ही आउटपुट होगा, जैसे सेलेक्ट करेंगे तो उस पर दिया रहता है कि कब हम लोग किस पे सेलेक्ट करेंगे, वही आउटपुट यहाँ से देगा। आप लोग देख सकते हैं V1 V2 जो है ये जाके वोल्ट मीटर में कनेक्ट हो जाता है, यानी तीन फेज और न्यूट्रल जो है हम लोग इसमें इनपुट करते हैं, आउटपुट दो ही होता है, जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे वहीं आउटपुट होगा, वो जो हमारा वोल्ट मीटर जो है 500 वोल्ट तक ये जो है मेजर करेगा। आप लोग देख सकते हैं ये इसका कनेक्शन है। आगे जस्ट अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है ये आप लोग देख सकते हैं CT है, CT जो है अगर कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं तो एम्स को मेजर करना है तो CT ज़रूरी है, ट्रांसफार्मर होता है CT, वो मेजर करके जो है हम लोग को देता है, तब भी जो है हम लोग जो है एम्स को चेक कर सकते हैं। CT जो क्या होता है करंट ट्रांसफार्मर जो होता है एम्स को मेजर करने के लिए क्या होता है पहले लगाना पड़ता है, यहीं से जो है हमारा CT लगा के ही मेजर करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक जो है आ रहा है, एक इसमें CT में क्या हो रहा है, एक फेज एक न्यूट्रल आता है, हम लोग एक वायर में इसको लगाते हैं वहीं से आउटपुट होता है, इस पर ऑलरेडी डिटेल से वीडियो बनाया हूँ कनेक्शन वगैरह। तो यहाँ से एक फेज जो है और एक न्यूट्रल आप लोग देख सकते हैं, फिर यहाँ से डायरेक्ट एक फेज जा रहा है और न्यूट्रल जो है अगर आप लोग देखेंगे ये न्यूट्रल है, ये आप लोग देख सकते हैं न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है और ये न्यूट्रल है, तीनों जो न्यूट्रल अगर आप लोग देखेंगे इसमें एक लूप किया है, इसमें एक लूप किया है, यानी लूप कर लेते हैं हम लोग तीनों में से निकाल के
लेके आते हैं। इसमें दो टर्मिनल रहता है सिंपल सा, हम लोग को एक जो है फेज एक न्यूट्रल मिलता है, वहीं लेके आके हम लोग एमीटर में कनेक्ट कर देते हैं सीटी में से। सिंपल सा होता है, सिटी में आप लोग जाएंगे दो टर्मिनल, हम लोग क्या करते हैं उसको वायर जो होता है जो हमारा बस बार होता है उसके अंदर डाल देते हैं, उसमें दो एक फेज एक न्यूट्रल आता है, वहीं जो है हम लोग एमीटर में डाल देते हैं, हमारा मेजरमेंट हो जाता है। ये जो हम लोग मेजर करते हैं वहाँ से दिखा देता है। फिर ये जो है तीनों अगर आप लोग देखेंगे गया हुआ है कहाँ पर आगे, ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये जो है बस बार है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे कुछ स्टेटस है जैसे सर्किट ब्रेकर ओपन है उसका है, ये कॉमन है आप लोग देख सकते हैं कॉमन का है, ये ओपन होगा उसका है, सीबी क्लोज है, ये स्टेटस गया है सिंपल सा। बीएमएस वगैरह में हम लोग स्टेटस देते हैं उसका एनओएनसी लेके वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज में अगर आप लोग देखेंगे तो पूरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बस बार के थ्रू, आप लोग देख सकते हैं L1 L2 L3 न्यूट्रल के थ्रू। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ये जो है इसमें दिया रहता है कि कौन सा डीबी में जा रहा है, SMDB में जा रहा है, पूरा सिंबल भी रहता है। आप लोग अगर डिटेल देखेंगे तो सिंपल सा आप लोग 3 पेज है, Q1 आप लोग देख सकते हैं क्या है ये, अगर आप लोग TIC 160 और ये जो है TMD 100 जो है अस्सी एम्पियर का 3 पोल MCCB है, वैसे यहाँ भी 80 का है, वैसे 3 पोल MCCB पूरा जो है 80 एम्पियर का है, ये 125 का है, फिर ये जो है 80 का है, फिर 80 का है, ये 80 का है, यानी इसमें अगर आप लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है इसमें MCCB लगा हुआ है, और ये कहाँ से आउट हो रहा है आप लोग देख सकते हैं, इसका टर्मिनल का नंबर जो है L1 L2 दिया होगा, ये जो है आप लोग देखेंगे ये 5 जो है ये टर्मिनल है इसका, ये जो है कहाँ जा रहा है ये जो है आप लोग को दिखेगा USMDB में जा रहा है, USMDB ये 22 है, ये 24 है, ये 23 है, ये 24 PG है, इस पर टैग जो है दिया रहता है, दो जो है स्पेयर है, 3 एक्चुअली में स्पेयर है, तो यहाँ से पूरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अभी जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है मेन इनकॉमर है, जैसे मैं आप लोग बताया कि रेड येलो ब्लू जो है आप लोग देख सकते हैं, मेन MCCB ये जो है यहाँ पे 250 एम्पियर का लगा हुआ है उसी में ये कनेक्ट हुआ है, और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये न्यूट्रल है, आप लोग देख सकते हैं न्यूट्रल का जो है आप लोग देख सकते हैं पूरा कनेक्शन जो है ऊपर से गया हुआ है, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे न्यूट्रल का जो है ये बस बार है, ये जो है आप लोग देख सकते हैं अर्थिंग का है, मेन फेज जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आया हुआ है, उसके बाद क्या हो रहा है MCCB में जा रहा है। अब इसी में से अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग ड्रॉइंग में क्या देखें कि MCCB से जस्ट पहले जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रेडियल ब्लू ले करके ये जो है देखेंगे अगर आप लोग फ्यूज है, फ्यूज के थ्रू क्या हो रहा है कि ये आप लोग देख सकते हैं रेड येलो ब्लू का इंडिकेटर है इसमें जा रहा है, फिर ये जो है हमारा वोल्ट मीटर में जा रहा है, तो वहीं जो है अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हैं इंडिकेटर रेड येलो ब्लू का L1 L2 L3 आ रहा है, और वोल्ट मीटर में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्टर स्विच में रेड येलो ब्लू और फेज जो है यहाँ पे डाला हुआ है, और यहाँ से दो आउटपुट होगा, तो नंबरिंग लिखा हुआ था किस नंबर पे कौन सा हम लोग को डालना है, तो ड्राइंग में आप लोग देखें वही चीज़ जो है L1 L2 L3 जो है इसमें हम लोग डालेंगे, यानी रेड है येलो है ब्लू आप लोग देख सकते हैं और ब्लैक ये डाल रहे हैं, आउटपुट जो है V1 V2 जो है आप लोग देखेंगे यहाँ से होके हमारा वोल्ट मीटर में ये V1 V2 जाएगा, सिंपल सा ये हमारा कनेक्शन होता है। क्या होता है हम लोग जो है फ्यूज के थ्रू लेके 3 फेज इसमें डाल लेते हैं, इसका कनेक्शन कैसे होता है मैं ऑलरेडी बताया हूँ, इस पर जो है अलग से वीडियो भी बनाया हूँ, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें सिंपल सा आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है हम लोग को कनेक्शन कैसे करना पड़ता है, इस पर टर्मिनल पे दिया रहता है उसी को देख कर हम लोग कनेक्शन करते हैं, कब हम लोग को कौन सा आउटपुट मिले उसके लिए ये करते हैं सिंपल सा। अलग अलग जो है सेलेक्टर स्विच भी होता है तो उसका डिजाइनिंग कंपनी के हिसाब से रहता है, तो सिर्फ हम लोग क्या करते हैं इसमें एक साइड में जो है हम लोग इन करते हैं, दूसरा साइड से हमारा दो ही ये जो है आउटपुट मिलता है जैसा सेलेक्ट करते हैं, सिंपल सा ये होता है। उसके जस्ट बाजू में आप लोग देखें कि सीटी लगा हुआ था, सीटी जो है आप लोग क्या देखें आप लोग देख सकते हैं ये जो है सीटी है, जस्ट जो है सीटी आप लोग को वहाँ पे ड्राइंग में क्या दिखा कि सीटी हमारा जो है MCCB के बाद लगा है, तो वही चीज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं MCCB जो है उसके बाद जो है ये सीटी लगा हुआ है, सीटी में आप लोग देख सकते हैं दो दो वायर गया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे रेड में 2 ब्लू में 2 और येलो में 2 दोनों जाके ये जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आउट हो रहा है, यहाँ से आउट होने के बाद में आप लोग देखेंगे 1 mm में 1 इसमें 1
और जो है दूसरा एमीटर में एक ये जो है दोनों आ रहा है हमारा सीटी से। सिंपल था, सीटी से दो वायर आउट होता है, दोनों आके एमीटर में करें। मेन बेसिक जो था आप लोग को ये पता चल गया। अब जो है अगर जस्ट अगर आप लोग देखेंगे तो ये मेन जो है आउटपुट जा रहा है बस बार में रेडियो लो ब्लू। यहीं से जो है आप लोग देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे आप लोग देखें कि 8 जो था MCC भी था, आप लोग ड्राइंग में भी देखे 8 था। आप लोग देख सकते हैं 2 ये है, 3 ये है और 3 ये है, यानी टोटल जो है यहाँ पे 8 MCC भी लगा हुआ है। और कंट्रोल ये आप लोग छोटा छोटा टीवी में आप लोग देख सकते हैं पतला पतला वायर है, तो ये जो है MCC जो होता है ये आप लोग देख सकते हैं इसका ओपन क्लोज का स्टेटस वगैरह है, ऑफ का स्टेटस जो है उसके लिए ये टर्मिनल है BMS स्काडा में दिया हुआ है। तो वहाँ पे आप लोग क्या देखें कि ये आप लोग देख सकते हैं Q1 Q2 Q3 ये पूरा जो है आकर के आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आउटपुट हो रहा है। और आप लोग देखें 3 जो है स्पेयर था, अभी जो है यहाँ पे एक ही आप लोग को ये स्पेयर दिख रहा होगा, लेकिन ये जो है आगे जाके जो है पूरा यूज में नहीं है, ऐसे जो है स्पेयर डाल के रखा हुआ है सिंपल सा। तो ये पूरा जो है आउटपुट यहाँ से हो रहा है और आगे जो है आप लोग देख सकते हैं पूरा फील्ड में जा रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये टर्मिनल आप लोग देख सकते हैं यहाँ से टर्मिनल बॉक्स में जो है कनेक्ट किया गया है। ये जो है अगर आप लोग देखेंगे तो आउट हो रहा है, ये जो है एक MCB से, ये MCB जो है अगर आप लोग देखेंगे इससे जा रहा है। तो ये आप लोग ड्रॉइंग में देखें, मैं आप लोग को एक बार और दिखा देता हूँ। वहाँ पर जो है MCB से निकल के हमारा SMDB में नंबर अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो ये MCC से आके आप लोग देख सकते हैं QX Q5 यही जो है हमारा TV है यहाँ से जा रहा है, ये डायरेक्ट जो है हमारा नहीं जा रहा है, यहाँ पे एक TV के थ्रू जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं 5 नंबर, तो जो ड्राइंग में था वही चीज़ यहाँ पे है। तो सिंपल सा आप लोग को जो है इसके बारे में इसका कनेक्शन वगैरह जो है कैसे हुआ है पता चल गया होगा। अब जो है मैं इसको स्टेबल करके दिखा देता हूं, ताकि बहुत भाई लोग का कमेंट आता है कि ड्राइंग चाहिए, तो आप लोग जो है इसको स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं बहुत ही क्लियर दिख रहा है। क्योंकि पूरा भाई लोग को जो है स्क्रीनशॉट भेजने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पॉसिबल नहीं होता है सब किसी को ड्राइंग भेजना, तो आप लोग जो है यहाँ से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इजीली आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।